देखिए दोस्तों, आए दिन एक सवाल आता रहता है कि साहब हमको कोर्ट मैरिज करना है। जी हाँ, हमारे घर वाले मान नहीं रहे। मान लीजिए कि लड़की के घर वाले नहीं माने, लड़के के घर वाले मान लीजिए, लड़के के घर वाले नहीं माने, लड़की घर वाले मान लेते, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में कपल साथ में रहना चाहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। जी हाँ, जिसको कहते हैं कि लव मैरिज करना चाहते हैं हम लोग, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितनी एज होनी चाहिए, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या दिक्कत नहीं आ सकती है, अब कुछ पूरा निचोड़ आज की वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो जो भी कपल्स अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो पूरी डिटेल में इस वीडियो को तो जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो किसी भी केस से रिलेटेड या कोर्ट मैरिज से रिलेटेड, तो साइड में व्हाट्सएप नंबर लिख रहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए सिचुएशन पहले, सबसे पहले तो तीन इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको। जी हाँ, अगर आप कोई भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हो और आप लोग ये चाह रहे हो कि साहब आपके घरवाले नहीं मान रहे, तो एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट जाने, सबसे पहले तो आपकी लड़की की उम्र 18 साल की उम्र होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। पहली बात तो ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए। जी हाँ, तभी आगे कदम उठाए, अन्यथा अगर आपकी एज ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, आपके पास प्रॉपर लीगली डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें 10th की मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई सा भी ड्राइविंग लाइसेंस एक अदर होना चाहिए, लेकिन 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें क्लियर लड़की 18 साल की और लड़का 21 साल का होना जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए दोस्तों सबसे ज़्यादा, वो होती है भैया लड़की की कंसल्ट। जी हाँ, लड़की की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर लड़की बाई चांस आपके साथ आती है, घर वालों ने पकड़ लिया और अगर वो बदल जाती है, अपने बयान पलट देती है, 164 बयान पलट देती है, तो ऐसी कंडीशन में भैया आपकी ज़िंदगी भर आप जेल में चले जाओगे। जी हाँ, तो इस कंडीशन में तीन बातों को आपको कंफर्म कर लेना। सबसे पहले तो है कि भाई, पहली बात तो ये होनी चाहिए कि लड़की की उम्र 18 साल की होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल की होनी चाहिए, साथ में एक लीगली डॉक्यूमेंट्स, दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, एक तो आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आई डी भी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, लेकिन दूसरा एक होता है कंपल्सरी 10th की मार्कशीट होना चाहिए, और तीसरा लड़की की कंसल्ट होना चाहिए। जी हाँ, तीनों चीज़ें आपके पास है तो फिर आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज जो करना चाहते हो वह कंपल्सरी कर सकते हैं। जी हाँ, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए कई बार एक और सवाल आ जाता है कि साहब मान लीजिए आधार कार्ड में डेट अलग है, वोटर आईडी में एक अलग है, ठीक है, या फिर आपको 10th की मार्कशीट से मिसमैच नहीं कर पा रही आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो क्या ऐसी कंडीशन में कोर्ट मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, आपकी उम्र लड़के की उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, कोई से भी, बाकी वो 10th की मार्कशीट में होना चाहिए। जी हाँ, अगर इसमें आपकी ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो कुल मिलाकर आपको जो समस्या जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना, इन बातों का सबसे ज़्यादा आपको कंपलसरी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब दूसरी बात, कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते? देखिए आज के डेट में आप जो जाते हो गाजियाबाद में जाके शादियाँ करते हो, मैक्सिमम ज़्यादातर गाजियाबाद करते हो, जयपुर में कर सकते हो, जहाँ भी होते हो, नियर बाय आपका जो भी कोर्ट होता है, वकील साहब के पास जाते हो, मंदिर से शादी करा देते हैं, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रार ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन करा के आपको तुरंत हैंड टू हैंड आजकल तो 2 घंटे में भी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है। ज़्यादातर ये गाजियाबाद का प्रोसेसिंग होता है जो कि गाजियाबाद में तुरंत हो जाती है, आपको आर्य समाज में शादी की आ जाती है, उसके बाद में शादी करा के आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, शपथ पत्र लगाया जाता है, उसके बाद में 2 या 3 घंटे में आपको सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। जी हाँ, तो इस कंडीशन में आपकी शादी इजीली वे में हो जाती है। अब शादी होने के बाद अगर आपने कोर्ट मैरिज कर चुके हो तो उस कंडीशन में फिर आपको घर वालों का डर रहता है। जी हाँ, घर वाले आपको डराते रहते हैं, भागते हैं, पीछे करते हैं, जो भी करना है, तो उस सिचुएशन में भैया आप लोग क्या करते हो, वीडियो बना के आप लोग बदनाम करते हो घर वालों को, उसमें कोई फायदा है नहीं। जी हाँ, सिंपल सा बात है, अगर आपने शादी कर लिया, दोनों मैच्योर है, दोनों कहते हैं वयस्क है, 18 साल से अबव है, दोनों ने एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे, इस कंडीशन में आपने पूरा प्रयास भी कर लिया घर वालों का, तो आप एक काम कीजिए, हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन लगा दीजिए। जी हाँ, पुलिस प्रोटेक्शन आप डाल सकते हो, क्रिमिनल थ्रेट के नाम से आप डाल सकते हो कि भाई हमको क्रिमिनल थ्रेट मिल रही है, जिन जिन की वजह से आपको थ्रेट हो रही है उनके नाम इंक्लूड करा दीजिए, हाई कोर्ट आपको प्रोटेक्शन तुरंत का तुरंत हैंड टू हैंड 2 से 3 दिन के अंदर आपको हाई कोर्ट प्रोटेक्शन दे देता है। जी हाँ, हाई कोर्ट, कोई से भी हाई कोर्ट से आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, कहीं से भी जाके आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो, ऑल इंडिया की अगर आप इंडियन हो तो ऑल इंडिया की आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी, ऑल इंडिया का पुलिस प्रोटेक्शन हाई कोर्ट का आपको वैलिड माना जाएगा। जी हाँ, तो कुल मिलाकर आपके माइंड में जो सवाल थे कोर्ट मैरिज करने का, वो पूरी तरह से मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट शाउट रहता है तो साइड में व्हाट्सएप नंबर लिखे रहते हैं, उन पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और पूरी डिटेल में मुझसे बात कर सकते हो। फिलहाल आज के इतना ही।